हेलो गाइज, मेरा नाम है अभियंक। तो स्वागत है आपका एक GTA 5 की वीडियो में। तो गाइज यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलो गाइज यार, अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा हम लोग क्रिमिनल की वाइफ को किडनैप कर अपने घर पर ले आए हैं। और आपको याद होगा जो क्रिमिनल है यार, सही में बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा है। और वो लेस्टर को कहीं और टांग के, फ्रैंकलिन ट्रेवर को कहीं और ही टांग कर कहाँ एस्केप हो चुका है उसका कुछ भी नहीं पता। पर लास्ट लोकेशन उसकी जंगल तक की थी। और इनको देखो भाई, ये तीनों यहाँ पर बहुत तेरा चिल मार रहे हैं। अब जल्दी से ना यहां पर अमेंडा गाइस यार कब से ना लगी हुई है योगा वगैरह करने में। और एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं, और जो जिमी है भाई अपने घर पर ही रह रहा है। और जो भी उसने पैसा कमाया लेस्टर से, उसने एक अपना ड्रीम गेमिंग हाउस बनवाया। तो मैं आपको उसका रूम भी एक बार दिखा देता हूं। तो चलो गाइस यार, ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को लाइक है मैं पूरे 15,000 लाइक का। चैनल पर ना, चैनल को बिना जरूर सब्सक्राइब कर लो। 1,50,000 की किंसियन फैमिली के क्लोज है। और यहां पर देखो हम लोग आ चुके हैं जिमी के रूम में। और देख रहे हो भाई, यहां पर ना जिसने अपना रूम डेकोरेट करना खुद, बहुत ज्यादा ओपी है। और यार ये बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग होती है एक गेमर के लिए, जब उसका एक सेपरेट रूम होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और देख रहे हो टॉम भी यहां पर ना गेम्स वगैरह का बहुत ही बड़ा शौकीन है। तो चलो यार, अब जल्दी से अपने को ना बाहर की तरफ चलना चाहिए। और बाकी ये एनिमेटेड वाला वॉलपेपर लगा हुआ है यहां पर। और ये तो था जिमी का रूम। और हां गाइस यार, जल्दी से ना इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा होगा, फॉलो कर लेना भाई। यार वीडियो का लाइक भी जरूर से कर देना। और इस टाइम अपने को चलना पड़ेगा लेस्टर के पास, क्योंकि लेस्टर ने अपने को बुलाया। एक तो लेस्टर की जो मस्टैंग है वो भी अपने पास है, और जिमी और टॉम ये वाली मर्सिडीज लेकर आ चुके थे घर पे। तो चलो यार, ये गाड़ी तो मैं आपको लास्ट वाले एपिसोड में चलाकर दिखा ही चुका हूं। और स्पीड का तो इसका क्या कहना, स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है इसकी। तो साउंड सुनकर आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा, जो साउंड है इसका ओपी तो बहुत ज़्यादा है। और आपने भी कमेंट करा था कि यार ये जो स्पीड है ना कार की, बहुत ज़्यादा सही लग रही है। और ऊपर से जो इसका साउंड है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो साउंड इसका सुन के देखो एक बार ध्यान से। तो जो इसका एग्जॉस्ट है गाइस यार, वो कितना बेस टाइप है, अच्छा लग रहा है सुनने में बहुत ज़्यादा। तो चलो यार, अब जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा लेस्टर के घर के पास। तो चलो यार, हम लोग ना अपनी मस्टैंग को भगाकर आ चुके, और चुटकियों में ना हम लोग लेस्टर के विला पर पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से ना, एक तो ये टाइम लगा था भाई, ओ भाई खुल भी गया शायद से ना। लेस्टर को पता चल गया होगा कि हम लोग आ चुके हैं, और उसने CCTV कैमरा में देखकर पूरा गेट उसी टाइम ओपन कर लिया। और जल्दी से ना हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, और हम लोग ना यहां पर लगाते हैं अपनी गाड़ी को पार्क। इसे कल से ही मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं, और जो मेरा दिल है ना इस गाड़ी पे बहुत ज्यादा आ चुका है। और मेरा तो मन ये कर रहा है कि लेस्टर को बस मैं एक बार कह दूं कि लेस्टर यार, चाहे मुझे इसके तुझे पैसे पे करने पड़े, पर ये वाली गाड़ी मुझे दे दे। पर मुझे पता गाइस, लेस्टर ये काम बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। ये जो अपना कहना है ये बिल्कुल भी नहीं मानेगा, क्योंकि लेस्टर की ये पर्सनल मस्टैंग है। आपको याद होगा उसके पास एक येलो मस्टैंग थी, उसने इसी को मॉडिफाई कराकर ये वाली मस्टैंग बना लिया है। तो बाकी एक बात हम लोग बातचीत करके देख लेंगे क्या कहता है लेस्टर, बाकी कुछ भी नहीं कह सकते। जरूर से बता देना गाइस यार कमेंट करके, और कमेंट का एम है पूरे 800 कमेंट का। तो हर बंदा एक कमेंट करना, स्पैम मत करना। और इसको तो भाई डरा ही दिया उसकी वाइफ को। तो जल्दी से ना लेस्टर से एक बार हम लोग बातचीत करके देखते हैं कि इसने कुछ बोला क्रिमिनल के बारे में कि नहीं बोला कुछ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहोगे ना, लेस्टर ने अपने को एक जगह बताई है, और ये कह रहा है कि ये जो वाइफ है उसकी, तो हमने इससे इतना ज़्यादा पूछा, ट्रेवर ने भी बहुत ही ज़्यादा प्यार से पूछा कि मैम आपका जो हस्बैंड है वो किस लोकेशन पर छुप सकता है। तो ये कह रही है लास्ट लोकेशन तो वो जंगल की तरफ भागा था, और हमारा उधर कुछ भी नहीं है जंगल के पास, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और मुझे तुम लोग जाने दो, और बाकी तुम्हारी मेरे हस्बैंड से क्या दुश्मनी है। तो मैंने बोला मैम दुश्मनी तो कोई भी नहीं है, बस हमें उस चीज़ के पैसे मिलने वाले थे, और जो मिल भी चुके हैं हमें। तो चल भाई, ये क्या स्टंट मार के गेट को खोल रहा है। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना अपने को इस टाइम निकलना चाहिए सीधा एक शोरूम की तरफ। तो हाँ गाइस यार, वो जो क्रिमिनल ना उसने अलग अलग बिजनेस खोल रखे हैं, और उसके अलग शोरूम है, अलग रेस्टोरेंट है। तो ये जो वुमेन है, मतलब उसकी जो वाइफ है, ये कह रही है कि मुझे नहीं पता कि मेरा जो हस्बैंड है वो कहां पर गया होगा, पर मैं इतना कह सकती हूं अगर वो कहीं गया होगा तो वो कहीं जंगल के पास ही गया होगा, क्योंकि बाकी उसके कोई सिगरेट वगैरह बेस भी नहीं है। तो लेस्टर ने इसे पूछा कि तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी है। कह रही प्रॉपर्टी तो हमारे पास बहुत है, तो जो जगह इसका हस्बैंड जाता था ना ज्यादातर, और जहां पर इसका बिजनेस भी चल रहा है, तो जैसे वो जेल में गया था तो उसके बाद में इसकी वाइफ संभाल रही थी उसका बिजनेस। तो हम लोग ना एक बार वहां पर चल के देखते हैं उस शोरूम पर। वैसे वो गाड़ियों का शोरूम है, इनका खुद का पर्सनल वो गाड़ियों का शोरूम है। देख रहे हो, दो नंबर से पैसा कमाकर भाई साहब ने शोरूम वगैरह तैयार करके रख रखा है। अब ये तो उधर ही चलकर पता चलेगा कि शोरूम कौन सा है और कितना बड़ा शोरूम है। और वैसे वो कह रही थी ठीक ठीक एवरेज इतना बड़ा तो है हमारा शोरूम कि हमें 2-3 लाख
हर महीने आ जाते हैं डॉलर। तो सही है भाई, इसका मतलब ना वहाँ पर गाड़ियाँ भी होंगी। तो देखते हैं भाई साहब, इससे अच्छा मौका अपने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। गाइस यार, हम लोग उस लोकेशन के बहुत ही क्लोज पहुँच चुके हैं, उस सामने की तरफ ही है। और ये रहा गाइस यार शोरूम, जैसे कि आप देख रहे हो ना भाई, जो वो क्रिमिनल का शोरूम है यहाँ पर है। और यहाँ पर तो बंदे वगैरह भी हैं। तो एक बार यार माइकल को मैं कौन से कपड़े पहना कर यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, देख रहे हो, पूरे कच्चे बनियान में माइकल आ चुका है इतने बड़े शोरूम में। और मुझे तो लगा था कि छोटा मोटा कोई शोरूम होगा, और ये शोरूम तो पूरा लग्जरी है। तो एक बार ना इससे बात करके देखते हैं कि जो तुम्हारा मेन बॉस है वो आया कि नहीं आया। तो ये जो लेडीज है ये कह रही है, सर आप कमाल कर रहे हो, जो बॉस है वो तो इतने सालों से जेल में है और उनका आज तक नहीं पता चला, वो जेल में रहते हैं। और जो उनकी वाइफ है वो संभालते हैं, पर क्या बात हुई है? तो हमने बोला कुछ भी नहीं है, बस हम लोग अंदर की तरफ चेक करने आए थोड़ा। और ये कह रही थी ऐसे किसी को भी परमिशन नहीं अंदर आने की, पर हमने बोला जो वाइफ है ना उसकी, वो हमारी फ्रेंड है। फिर हमने उससे बात करा दी, तो ये कह रही है चलो कोई नहीं, तुम लोग जा सकते हो। तो देख लो लैम्बोर्गिनी वगैरह के पोस्टर वगैरह छप रखे हैं, क्योंकि ये शोरूम पूरा लग्जरी है। तो यहाँ पर गाड़ियां भी, और एक सेकंड गाइस, ये वाली कौन सी गाड़ी है यार? देख रहे हो गाइस यार, जो इसका पेंट है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ब्रांड नहीं मुझे पता कौन सी गाड़ी है ये। और सामने की तरफ मुझे पता ये है मर्सिडीज, बिल्कुल अपने ऐसी मिलती जुलती मॉडल। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, बस इसका कलर वाइट है, जो अपनी वाली गाड़ी है उसका रेड कलर है। और साथ में खड़ी है मर्सिडीज की जी वैगन, और ये एक बड़ी गाड़ी है, मतलब ऑफ रोडिंग वगैरह में भी काम आती है। और यार वैसे यार आपको याद आ रहा होगा, हम लोग जब पार्टनर के पास गए थे, जाने की जहाँ हमने मर्सिडीज अपनी खरीदी है, और उसके पास रेड कलर में ऐसी गाड़ी थी। और मेरा कब से ड्रीम था कि मैं भी एक SUV लूंगा, मतलब जी वैगन लूंगा। तो जल्दी से ना इससे बात करते हैं और अंदर की तरफ एक बार चल के देखते हैं कि कहीं अंदर तो नहीं छुप के। और एक वो भाई, मुझे लगा कि यही है, पर उसकी एक पहचान है, उसके मुंह के ऊपर ना टैटू है। तो चलो यार, अपनी इनसे बात हो चुकी है, तो हमने बोल दिया कि उसकी वाइफ को एक गाड़ी चाहिए। तो ये कह रहे हैं सर आप लेकर जा सकते हो क्योंकि तुमने बातचीत करा दी। पर यार उससे हमारी कुछ बात उतनी हुई कि हम लोग गाड़ी भी लेकर आएंगे, और यार हम लोग नुकसान कर रहे हैं क्योंकि यार वो अपने एक दुश्मन है और ऊपर से लॉस सैंटोस का क्रिमिनल है। तो चलो यार फाइनली मैं गाड़ी में तो बैठ चुका हूँ, अब जल्दी से ना ट्रेवर तू भी बैठ जा और इसको निकालते हैं बाहर की तरफ। और ना ही अपने को लेस्टर ने बोला था गाइस यार इसको लेकर आने को, और ये कौन सी गाड़ी है? करो गाइस यार, ये लैम्बोर्गिनी है और मॉडल भी मुझे पता कौन सा। और इसकी जो हालत है, ये क्या हालत हो चुकी है यार, बंदा ये रेसर भी नहीं लग रहा शक्ल से, क्योंकि अगर इसने रेस करी होगी तो इसका हुआ हुआ एक्सीडेंट। पर गाइस जो ये हालत हुई है ना, सही में कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा कचरा हालत हो चुकी है पूरी गाड़ी की। तो चलो यार अब जल्दी से ना अपने को इस टाइम अपनी गाड़ी को लेकर निकलना पड़ेगा। और ये अगर मैं लेगा लेस्टर के सामने, तो लेस्टर को भी गाइस यार गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक चढ़ चुका पता नहीं कैसे। और हमने ना जी वैगन वगैरह कभी तो नहीं रखी अपने पास। और ट्रेवर यार क्या, ओ भाई अच्छा ट्रेवर अपनी मर्सिडीज लेकर आएगा, मतलब मस्टैंग लेकर आएगा। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अपने को निकलना चाहिए यहां से और चुपचाप आराम से चलानी है मस्टैंग। देख रहे हो भाई इतनी जल्दी चलती गाड़ी से उतरा ना मस्टैंग से, और क्या बताऊं मैं इसको। तो ये कह रहा कि अब जल्दी से ना मैं मस्टैंग चलाऊंगा, तो मर्सिडीज की जी वैगन चला। और बस ट्रेवर की एक गंदी आदत है, हर बार कहता है कि आ जा 1v1 करते हैं, रेस करते हैं, और जो जीता वो प्रो है। तो भाई यार ड्राइवर प्रो है, मैं खुद मानता हूँ यार, मैं रेस करूंगा तो कोई फायदा नहीं है, कहीं बिन बात के ठोक जाएगी गाड़ी। और यार ड्राइवर भी जोश जोश में ना गाड़ी इधर उधर ठोक देता। तो चलो गाइस यार हम लोग ना लेस्टर की विला पर पहुंच चुके हैं, और हमने बिना बताए लेस्टर को ये वाली गाड़ी उठा ली है। वैसे अपने को तो कौन कुछ बोलेगा, वो कौन सा कोई फ्रेंड है, अपना दुश्मन ही है। हमने उसके दुश्मन के शोरूम से अच्छी तरीके से चोरी भी नहीं करी हमने तो गाड़ी, बस उससे ले लिया है, बाकी देने तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं वाले। तो चल यार अब ना जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं इस वाले गेट से, और खुल भी जा भाई। और यहाँ पर ट्रेवर आ चुका है, तो जब हम लोग दोनों आए उस समय लेस्टर ने कैमरे में देख के गेट खोल दिया। और पक्का गाइस यार लेस्टर अपने को एक बार तो पक्का बोलेगा ही बोलेगा, और वो कहेगा कि तुम्हें क्या जरूरत थी एक गाड़ी लेकर आने की। तो चलो गाइस यार अब जल्दी से ना इसको करते हैं यहाँ पर पार्क, और ट्रेवर भाई तू भी उतर जा भाई, कहीं बीच में से टक्कर ही मार दे गाड़ी के, उतर भी जा अब जल्दी से, हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। तो चल यार यहाँ पर ना एक तो माइकल की जो आज की आउटफिट है वो बहुत ज़्यादा फनी है। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी लॉस सैंटोस में, जिस कारण आपने देखा होगा हम तो पूल वूल में बैठकर चिल कर रहे थे अपने डॉग्स के साथ, और उसके बाद लेस्टर का अचानक से कॉल आया और वो कह रहा ना जल्दी से मेरे पास आ, एक चीज़ मुझे पता चली है। और बस यार कह रहा था जैसा भी है जल्दी से आ जा। तो चल गाइस यार हम लोग आ चुके हैं सीधा लेस्टर के पास, और यहाँ पर ना ये जो लेडीज़ है कह रही है यार मेरे हस्बैंड से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, बस यार तुम लोग उसको प्लीज़ ढूंढ लो, और क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, अगर उसको एक बार गुस्सा आता है
तो वो किसी को भी नहीं देखता। और हमने पूछा कि तुम्हारे हस्बैंड की कोई गैंग है, तो ये कह रही है मैं इतना उसको पर्सनल उसकी लाइफ में नहीं घुसी हूँ, मैं उसकी वाइफ हूँ ना ही उसका कोई पार्टनर हूँ जो उसके हर एक चीज़ मुझे पता होगी। तो फिर मैंने बोला यार कैसी वाइफ है तू, और ये फिर लगी रोने। और फिर लेस्टर कह रहा कि यार मेरे पास एक प्लान है, तुम लोग जाओ और तू गाड़ी किसकी लेकर आया है, तो मैंने बोला हम लोग इन्हीं आंटी के शोरूम से लेकर आए हैं। तो कह रहा चल ठीक है यार, अपने को एक मर्सिडीज एसयूवी चाहिए थी तो अपने पार पूरी हो चुके हैं। तो भाई उल्टा ही सीन हो गया, मुझे लगा कि लेस्टर गुस्सा होगा, पर भाई लेस्टर तो खुद ही लालची है गाड़ियों का। चलो गाइस यार इस टाइम आप देख रहे कि हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं, तो लेस्टर ने ना अपने को बोला है कि यार जहाँ पर वो क्रिमिनल लास्ट टाइम भागा था तो तुम्हें वहीं पर जाना पड़ेगा, मतलब अपने को जाना पड़ेगा गाइस यार जंगल में। और यार हम लोग ऐसे जंगल में नहीं जाने वाले हैं, और हम लोग अपने लेकर चलेंगे डॉग, क्योंकि आपको पता होगा जो डॉग की नोज है ना, वो जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो अपने पास ना उसका एक क्लॉथ है, वो जो बंदा था ना जो क्रिमिनल, उसका जो मास्क था वो लास्ट टाइम हमारे पास ही रह गया था उसके रूम में, तो हम लोग उसको चॉप को सुंगा देंगे या अपने छोटे वाले डॉगी को सुंगा देंगे, तो फिर हम लोग उनको जंगल में छोड़ेंगे। तो भाई वो पक्का ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम लोग उस जंगल में बहुत बड़ा जंगल है नहीं ढूंढ सकते, और एक तो वहाँ के जो जंगली जानवर हैं भाई साहब कुछ भी हो सकता है, एनाकोंडा स्नेक हो सकता है, लॉयन हो सकता है, टाइगर हो सकता है, तो अपने को गाइज अपने डॉग को बचा कर रखना पड़ेगा। तो ये लेस्टर का प्लान है। तो जल्दी से अब चलते हैं अंदर की तरफ। एक तो फ्रैंकलिन भाई जल्दी से ना चॉप को ले आ, और जो अपना टिड्डा सा डॉग है ना उसको ले आ। एक तो अगर चॉप को हम लोग अकेला लेकर जाएंगे ना तो वो छोटू सा रोएगा, अगर उसको लेके जाएंगे तो वो रोएगा, मैं पक्का कह रहा हूँ। तो चलो गाइस यार चॉप यहाँ पर आ चुका है, और बैग में ना फ्रैंकलिन खाने पीने का सामान लेकर आ चुका है। तो जल्दी से भाई गोदी उदी में लेकर दोनों को बैठ जाओ, और ट्रेवर बैठा है पीछे की तरफ, तो चॉप बैठ भाई पीछे। तो चलो गाइस यार यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो ना भाई, चॉप भी सुंदर है ट्रेवर से, और यहाँ पर आगे की तरफ हमने अपने छोटे वाले को बिठा लिया है, और पीछे की तरफ है चॉप बैठा हुआ। और आज ना इतने दिनों के बाद हम लोग एक ट्रिप निकाल रहे हैं जिसमें मज़ा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। एक तो अपने साथ ना दो और न्यू मेम्बर हैं, मतलब एक छोटा सा मेम्बर है, चॉप तो पुराना है, और ऊपर से शुक्र करो अपने को SUV मिल चुकी है, जो जंगल के बीच में आपने देखा था मिट्टी वगैरह बहुत है, तो अपनी काम आने वाली है ये गाड़ी। तो जल्दी से ना अब अपनी गाड़ी को आते हैं, चलते हैं सीधा जंगल के पास, क्योंकि जो जंगल है गाइस वो सही में बहुत ज्यादा बड़ा और घना है। तो चलो यार हम लोग ना यहाँ पर तो पहुँच चुके हैं, और पहुँचते पहुँचते अपने को शाम हो चुकी है, और इस रास्ते की मैं बात कर रहा था और भाई अभी तो पलटती है, अगर सिंपल सीडान होती पक्का कह रहा हूँ गाइस यार गारंटी लिख के ले लो वो गाड़ी पक्का पलट चुकी होती, अगर मस्टैंग या ऑडी उडी कुछ होती ना या मर्सिडीज होती अपने, तो वो कब से उलट पुलट के ना हम लोग पार की तरफ ही गिरे होते, और ये तो थी SUV जो कंट्रोल हो चुकी है। चलो यार फाइनली अब हम लोग एंटर होने वाले हैं इस घने जंगल में, देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पर पेड़ वगैरह। तो जल्दी से ना अपने को कोई प्लेन जगह चाहिए होगी, क्योंकि आज तो मुझे नहीं लग रहा कि मिलने वाला है वो, पर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अपने को वो आज ही मिल जाए। और यहाँ ओ भाई ये क्या मरा हुआ है, और ये तो भाई जंगल में ना ऐसे ही सब कुछ होता रहेगा, और ये कोई गायें वगैरह है तो मरी पड़ी है भाई, उसकी मैं क्या ही मदद करूँ मरे हुए की। तो जल्दी से ना अब अपने को आगे की तरफ चलना चाहिए, और भाई कहीं शेर अगर अपने ऊपर अटैक कर देगा ना तो भाई हमें कोई भी नहीं बचा सकता। एक तो ये जो गाड़ी है मुझे तो नहीं लग रहा कि बुलेट प्रूफ होगी, तो भाई जल्दी, ओ भाई पानी है पानी हर जगह, तो एक सेकंड भाई जल्दी सीधी हो जा। और ये देख रो भाई ये जो खाड़ी है ना फाइनली सीधी हो चुकी है, अब तो बस मैं इसी की बात कर रहा था, अगर ये SUV ना होती और एक ओ भाई क्या ही बचा, अभी अगर नीचे की तरफ आ गया होता ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिल से बुरा लगता गाइस यार, दिल से बुरा लगता सही में कह रहा हूँ। तो चलो गाइस यार हम लोग अपनी गाड़ी को भगाकर आगे की तरफ तो आ चुके हैं, और हर तरफ बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंगल है, और सब रास्ते मुझे एक तरह लग रहे हैं, और हमने पानी के बीच में जंप करा दी अपनी गाड़ी को, और हमें ना एक प्लेन जगह मिल चुकी है। तो जल्दी से ना अपनी गाड़ी को मैं सोच रहा हूँ कि यहीं कहीं रोक लेता हूँ, और कुछ देर ना आगे पैदल चल के देखते हैं। तो चलो सही है भाई ये जगह पूरी परफेक्ट रहेगी। तो जल्दी से उतरता हूँ अपनी गाड़ी से, और फ्रैंकलिन ट्रेवर को कहूँगा कि तुम लोग ना यहीं पर खड़े रहो, और अपने जो डॉग हैं गाइस इनको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको पता होगा अगर हम लोग इनको अकेला छोड़ देंगे और गलती से भी ये बाहर निकल गए तो भाई जो जंगली जानवर होंगे वो इनको मार भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है गाइस यार, ये अपने पेट है तो हम लोग इनको दुश्मनी में नहीं डालेंगे, मतलब यार दुश्मनी के लिए इनकी जान खतरे में नहीं डालेंगे। और सामने की तरफ क्या ही, ओ भाई ये क्या सीन है, एक सेकंड भाई ये तो बालास गैंग है, जंगल के बीच में बालास गैंग का क्या रोल है यहाँ पर, बालास गैंग तो अपने उस एरिया में होती है, और यहाँ पर देख रहे हो कुछ छोटा सा घर है, और ये क्या है भाई ये तो हड्डी वगैरह लग रही थी, तो थोड़ा सा ना
क्लोज चल के देखते हैं, ऊपर से देख रहे हो गाइस यार, एक चीज का तो बेनिफिट है यहाँ पर, जो माइकल के शॉट्स हैं उस वो फूल पत्ती वाले हैं, और अगर किसी ने देख लिया तो उसको लगेगा कि फूल खिले हैं, जैसे कहते नहीं चड्डी पहन के फूल खिला है, तो वही सीन है भाई साहब, चड्डी में फूल खिला माइकल की। तो जल्दी ओ भाई ये क्या सीन है भाई, ये पत्थर तो नहीं लग रहा मुझे किसी भी एंगल से, देख रहो ये एक जंगली जानवर लग रहा है भाई, डायनासोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको ये किसकी बॉडी लग रही है देख रहे भाई, अरे भाई क्या ही बेकार चीज है यार, मैं उसी चीज के ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, पच पच की आवाज आ रही है भाई, आवाज की गलत मत समझना, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ना जल्दी से ना मजाक बहुत हो चुका, अपने बिनोकुलर्स को ऑन करते हैं और थोड़ा ना आगे की तरफ देखते हैं कि क्या सीन है, और इतना तो अपने को पता चल चुका है कि ये बलास गैंग है, और यहाँ पर ना मेरे पास एक आइडिया है, तो स्मोक मैं जल्दी से आगे की तरफ फेंकता हूँ और इनका ना ध्यान आगे की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर एक दो बंदे जाएंगे स्मोक को देखने के लिए उसके बाद ना हम लोग इनकी गेम बजा देंगे, क्योंकि ये लोग प्यार से तो मानने बिल्कुल भी नहीं वाले। तो चलो यार अब जल्दी से ना वेट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना गाइस यार, इनको पता नहीं कैसे पता चल गया कि यार यहाँ पर कोई आया हुआ है, और ऊपर से अगर ये अपनी शक्ल देख लेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि ये तो माइकल है, और भाई ये भी सोचेंगे कि माइकल ना हर जगह टांग अड़ाने कैसे आ जाता है यार। तो पता नहीं गाइस यार क्या दुश्मनी है बलास गैंग से, और जल्दी से ना इनके जो बंदे हैं पहले मैं उनको ख़त्म कर लेता हूँ। तो आंटी जी निकलो यहाँ से, बिनोकुलर्स लेके ऊपर की तरफ खड़ी हुई हो, और पूरी लैडर ही गिर चुकी है यार। तो जल्दी से ना ये जो दो बंदे हैं हम लोग इनको भी मार देते हैं, और आज रात रुकने के लिए ये जगह हमारे लिए पूरी परफेक्ट रहेगी। देख रो मुझे लगा था कि दूर पूरा घर है, पर घर वर तो बिल्कुल भी नहीं है, नीचे की तरफ भाई रुकने के लिए कोई जगह ही नहीं है, और एक बोट यहां पर है, और एक लकड़ी वाली बोट सामने की तरफ अंदर की तरफ है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना ट्रेवर फ्रैंकलिन के पास चलते हैं, पहले ना मैं थोड़ा सा ना यहां पर चेक कर लेता हूं कि कोई बंदा बच तो नहीं गया, तो जल्दी से ना थोड़ा अंदर की तरफ चलें। तो चलो यार मैं ना इसके ऊपर ही चल पड़ता हूं, और जैसे कि आप देख रहे होगे ना यहां पर हर तरफ पानी ही पानी है, और एक सेकंड भाई तो जो माइकल है ना इतना ज्यादा गिल्ला हो चुका भाई, इतना ज्यादा भीग चुका है पानी के बीच में। तो चलो सही है भाई, शुक्र करो हम लोग शॉर्ट्स वगैरह डाल कर आए हैं, अगर कोट पैंट होता है वो तो सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है। तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना गाइज, मैं तो आते आते रास्ते ही भटक चुका था, और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं फायरिंग कौन कर रहा था, तो मैं इनको बताता हूँ कि फायरिंग क्या हो रही थी यहाँ पर। तो चलो गाइज यार मैंने ना इनको सारी बात यहाँ पर बता दी, और मैंने इनको बोल दिया कि इस पूरे बड़े से जंगल में हम पांच लोग अकेले नहीं हैं, यहाँ पर पूरी बालास गैंग की अलग अलग गैंग है, ये हो सकता है जो क्रिमिनल है, क्या पता वो बालास गैंग के साथ मिला हुआ हो और वो तभी जंगल में आया होगा, तो आपको क्या लग रहा है। तो जल्दी से ना जो एरिया हमने साफ करा है तो अपनी गाड़ी को हम लोग वहाँ पर कर लेते हैं पार्क, और भाई आज रात की हमारी ये जगह तो पूरी परफेक्ट हो चुकी है, क्योंकि यार इस जंगल के बीच में हम लोग गाड़ी में तो सर्वाइव नहीं कर सकते ना, एक तो खाने का सामान भी अपने पास आया। तो जल्दी से ना एक बार अंदर की तरफ चल के देखते हैं, और यहां पर जो अपने दोनों डॉगी हैं इस बोट के ऊपर सो जाएंगे, और हम भी सो सकते हैं, अगर कोई जंगली जानवर आया तो बोट तो पानी के ऊपर है ना, तो इतना ज्यादा खतरा नहीं होगा, अगर ज्यादा ही कोई इमरजेंसी हुई तो हम लोग इसके ऊपर चल के देखते हैं। और ये देख रहे हो गाइस इधर हर तरफ ड्रग पड़ा है, इसका मतलब गाइस जो क्रिमिनल है शायद उसका ड्रग के काम भी हो सकता है कुछ रिलेटेड, या ये जो बालास गैंग है इस जंगल के बीच में अपना ही धंधा चला रही है। करो गाइस यार बिना को लस्से मैं जब देख रहा हूँ ना, दूर दूर तक मुझे सारी जगह जंगल नज़र आ रहा है, और ये वाला ब्लॉग मजा नहीं मुझे क्यों ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको भी मज़ा आ रहा होगा तो जरूर से ना लाइक ठोक दो। और जैसे आप देख रहोगे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर एक डायनासोर ना के अपने को खा जाए। तो चलो यार अपने को है ना पूरी शाम यहाँ पर हो चुकी है, और अभी तक तो हम लोग पूरे सेफ हैं, और ट्रेवर भी ना यहाँ पर पूरा अलर्ट है, और ट्रेवर कह रहा है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और इन तीनों को देखो गाइस यार ये तीनों चिल कर रहे हैं, और जो अपने दोनों डॉगी हैं ना गाइस यहाँ पर ना डरे डरे से बैठे हैं। होता है गाइस यार एक तो इतने बड़े जंगल में लेस्टर ने अपने को भेज रखा है उस क्रिमिनल का पता कराने के लिए, तो ये तो सारा रिस्क वाला काम है। और एक ओ भाई ये क्या सीन है, ये बंदा अपने को कब से देख रहा है, तो भाई ट्रेवर बिल्कुल भी नहीं इसको छोड़ना, और ये तो शुक्र करो मेरी अचानक सी नजर पड़ चुकी थी, और कोई अपने ऊपर एम करने लगा था, और उसी समय तुम्हारी भाई की तिरछी नजर पड़ी, और तुम्हारे भाई ने स्नाइपर का हेडशॉट उसके जड़ दिया, और ये तो गाइस यार बलास गैंग ने अपने ऊपर अटैक कर दिया। तो ये जगह मुझे लग रहा था कि अपने लिए सेफ है, पर ये जगह भी भाई सेफ अपने लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो अपने को ना गाइस यार कोई नमी जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो जल्दी से ना पहले ये जितने बंदे हैं पहले मैं इनको टपका देता हूँ, और उसके बाद देखते हैं गाइस यार अपने को कौन सी जगह सही लगेगी, और यहाँ से आर पार गोली क्यों नहीं जा रही है यार। तो देख रहे हो भाई जो बंदे हैं ये तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ऊपर से इतना ज़्यादा अंधेरा है, गाइस यार अंधेरे
बारे में कुछ भी समझ यहाँ पर नहीं आ रहा। और फ्रैंकलिन और ट्रेवर दोनों लग रखे हैं यहाँ पर उसको मारने के लिए, जितने भी बंदे हैं। वैसे क्लियर तो मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा, बस मैं अंदाजे से मार रहा हूँ। और भाई बंदे ना यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अलग अलग गैंग है। एक तो जंगल बहुत बड़ा है, मुझे लग रहा जो इनका दूसरी गैंग है मतलब बालास गैंग का दूसरा ग्रुप है ये कहीं दूर से है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दोपहर में आए थे और 4-5 घंटे बाद इस गैंग ने अपने ऊपर अटैक करा है। तो मतलब यार और भी बंदे जंगल में हो सकते हैं। और जल्दी से ना इनको खत्म करता हूँ, AK-47 भाई इसको तो पूरी घुसा ही दूंगा पेट में इसके। तो चलो गाइस यार फाइनली ना यहाँ पर हमने क्लोज बंदे तो खत्म कर लिए हैं और अब बारी है थोड़े दूर दूर बंदों की, तो इनको भी खत्म करते हैं। और भाई ये बंदे ना भाई बिल्कुल भी नहीं डर रहे कि जंगली जानवर आ जाएगा पीछे से या शेर आ जाएगा कुछ आ जाएगा, तो बस यार अपने से लड़ने में लगे हैं। और अब तो इनको पता चल चुका होगा कि माइकल है जो सारी जगह आ जाता है। तो चलो यार अब जल्दी से हम लोग मारते हैं। और वैसे मैंने इनसे बातचीत कुछ भी नहीं करी और मैंने सीधा स्मोक फेंका और सीधा फायरिंग वगैरह इन्होंने पहले करी, मैंने नहीं करी थी गाइस यार, इन्होंने पहले करी थी। तो अब जल्दी से ना अपने को ना स्नाइपर से चेक कर लेना चाहिए एक बार कि और कोई बंदा अपने को देख रहा है कि नहीं देख रहा, और उसके बाद अपने को ना जल्दी से ना ये जगह छोड़ के चलना चाहिए किसी और जगह पर। तो अब तक कि हमने दोपहर यहाँ पर काट लिया है तो आवाज़ तो मुझे आ रही है किसी की, तो जल्दी से ना मारते इनको। तो चलो गाइस यार जैसे कि आप देख रहे हो ना बंदे ना और भी ज़्यादा पीछे की तरफ और मशीन गन चला रहे हैं। वो तो शुक्र करो कि हम लोग ना वेपन वगैरह लोडेड कर कर आए थे और जितने भी स्नाइपर वेपन खाने पीने का सामान अपनी जी वैगन गाड़ी में रख रखा है। तो जल्दी से ना निकल यहाँ से, अब जल्दी से इसके भी तुम्हारा भाई हेडशॉट बजा देगा। तो चलो यार इसको भी हमने मारा और इसको भी हमने मार दिया और बहुत ज़्यादा बंदे मार दिए। और जो भी जंगली जानवर होंगे ना वो तो क्लोज बिल्कुल भी नहीं आने वाले। अब जल्दी से अपने को ये वाला एरिया छोड़ के यहाँ से निकलना चाहिए। और भाई बंदे हर जगह इन्होंने अपने को घेर रखा है। चलो गाइस अब जल्दी से ना हमें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि ट्रेवर इनके मुंह के पास जाके इनको मार के आए, क्योंकि आपको पता है जो ट्रेवर का गुस्सा बहुत ज्यादा है और ऊपर से ये जो डेड बॉडी पड़ी है पता नहीं किस मॉन्स्टर की है। तो जरूर से ना गाइस यार कमेंट करके बता देना कि आपको वो डेड बॉडी किसकी लग रही है। तो फाइनली ना हमने मिलकर इतने बंदे तो मार दिए हैं और ट्रेवर कह रहा है मैं बिनोकुलर्स लेकर ऊपर की तरफ ही बैठ जाता हूँ सनरूफ खोल के, और माइकल जहां भी बंदे होंगे मैं तुझे बता दूंगा। और जो दोनों अपने डॉगी हैं हमने उनको पीछे की तरफ कर दिया है और फ्रैंकलिन लेफ्ट में बैठा है। भाई क्या ही हॉरर वाली फीलिंग आ रही है, बस यहाँ पर भूत उतना आ जाए तो फिर बहुत ज्यादा बड़े वाली दिक्कत हो जाएगी। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अपने को चलना चाहिए। और आपके हिसाब से ना क्रिमिनल कहाँ हो सकता है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि वो यहीं कहीं जंगल में गाइस उसका बेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो यार गाइस यार जरूर से कमेंट कर देना, वैसे आएगा तो जरूर थोड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है गाइस यार कमेंट करते हो, मुझे भी सही लगता है और वीडियो बनाने में और भी ज्यादा मजा आता है। तो चलो गाइस यार मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 150K किंजियन फैमिली के क्लोज हैं। तो जल्दी से ना गाइस यार कर देना डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, उसको भी जाके फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो दूसरे चैनल का लिंक है अपना मैंक इज लाइव, उस पर मैं लाइव स्ट्रीम ट्राई करूंगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो चलो गाइस यार लव यू ऑल।